आपने खबरों में कई दफ़ा संजय दत्त की बेटी त्रिशला दत्त का जिक्र सुना होगा। हो सकता है कि आपने एक आध दफ़ा त्रिशला की माँ और संजय दत्त की पहली पत्नी ऋचा शर्मा का नाम भी सुना होगा। लेकिन आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें ऋचा शर्मा के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होगी। किस्सा टीवी पर आज दर्शक जानेंगे संजय दत्त की पहली पत्नी ऋचा शर्मा दत्त की कहानी, ऋचा और संजय की मुलाकात कैसे हुई और ऋचा का आखिरी वक्त इतना दर्दनाक क्यों रहा। ऋचा की जिंदगी के कई अनजान पहलुओं पर आज हम नजर डालेंगे। ऋचा शर्मा का जन्म कब और कहां हुआ था, इसके बारे में दो तरह की बातें इंटरनेट की दुनिया में आपको मिल जाएंगी। कुछ जगहों पर कहा जाएगा कि ऋचा शर्मा अमेरिका में पैदा हुई थी, जबकि कई जगह बताया जाता है कि ऋचा शर्मा दिल्ली में पैदा हुई थी और बाद में उनका परिवार अमेरिका सेटल हुआ था। हालांकि ये ज़रूर है कि ऋचा के जन्म की तारीख 6 अगस्त 1963 है। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान ऋचा शर्मा के पिता की पोस्टिंग अफगानिस्तान में हुई थी। उन दिनों भारत की तरफ से अफगानिस्तान में पहले चाइल्ड हॉस्पिटल का निर्माण कराया जा रहा था और ऋचा के पिता उस अस्पताल के निर्माण का जिम्मा देख रहे थे। वो अस्पताल बनने के बाद ऋचा के पिता सन 1971 में परिवार सहित अमेरिका सेटल हो गए थे। ऋचा उन दिनों काफ़ी छोटी थी। ऋचा की पढ़ाई लिखाई अमेरिका में हुई थी। स्कूल में ही ऋचा एक्टिंग में दिलचस्पी लेने लगी थी और ज़्यादातर नाटकों में लीड रोल प्ले करती थी। एक्टिंग से ऋचा को कुछ इस कदर प्यार हुआ कि एक दिन अपने परिवार से इजाज़त लेकर वो अमेरिका से बॉम्बे यानी मुंबई आ गई और सीधे देवानंद साहब से मिलने उनके ऑफिस चली गई। उन दिनों ऋचा महज 14 साल की थी। देव साहब ने ऋचा से कहा, तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम पहले अपनी पढ़ाई खत्म करो, मैं तुम्हारा नंबर लिख कर रख लूँगा, तुम भी मेरा नंबर नोट कर लो, जब तुम्हारे लिए कोई काम होगा तो मैं तुम्हें बुला लूँगा। इसके बाद ऋचा वापस अमेरिका चली गई। लगभग 7 साल बाद ऋचा के अमेरिका वाले घर पर भारत से एक फोन कॉल आई। इत्तेफाक से फोन ऋचा ने ही उठाया। दूसरी तरफ से आवाज आई, मैं देवानंद बोल रहा हूँ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक रोल है, क्या तुम अब भी फिल्मों में काम करने में इंटरेस्टेड हो। उन दिनों ऋचा अमेरिका के एक कॉलेज से आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रही थी। कॉलेज ज्वाइन किए ऋचा को अभी 2 साल ही हुए थे, लेकिन देवानंद का ऑफर मिलते ही ऋचा ने कॉलेज छोड़ा और वो मुंबई आ गई। देव साहब ने अपनी फिल्म हम नौजवान में ऋचा को कास्ट किया। ये फिल्म 1985 में रिलीज हुई थी। उस जमाने में मीडिया में ऋचा को लेकर खूब चर्चा हुई। मीडिया ऋचा को देव साहब की नई खोज बता रहा था। ऋचा की तुलना जीनत अमान और टीना मुनीम से होने लगी, जिन्हें देव साहब ने ही पहला ब्रेक दिया था। हम नौजवान तो बॉक्स ऑफिस पर कोई खास करिश्मा नहीं कर सकी, लेकिन ऋचा को बड़े बैनर्स की फिल्में ज़रूर ऑफर होने लगी। 1986 में ऋचा अनुभव फिल्म में दिखी, जिसमें उनके अपोजिट शेखर सुमन थे। इसी साल ये अनिल कपूर के अपोजिट फिल्म इंसाफ की आवाज़ में नजर आई। 1987 में ऋचा सड़क छाप में दिखी और फिर इसी साल ये दिखी अपने करियर की 5वीं और आखिरी फिल्म आग ही आग में। इसी साल यानी 1987 में ऋचा और संजय दत्त की पहली मुलाकात हुई थी। दरअसल संजय दत्त की एक फिल्म का मुहूर्त मुंबई के सीरोक होटल में था। इत्तफाक से ऋचा भी अपनी बहन के साथ वहां मौजूद थी। ऋचा ने जीन्स और मल्टी कलर टॉप पहना था। ऋचा के लुक्स संजय दत्त को बहुत अट्रैक्टिव लगे और पहली ही नज़र में संजय दत्त ऋचा को अपना दिल दे बैठे। ऋचा के जाने के बाद संजय दत्त ने उनके बारे में काफ़ी खोजबीन की। किसी तरह संजय दत्त को ऋचा का नंबर मिल ही गया। एक दिन संजय दत्त ने ऋचा को फ़ोन किया और अपने साथ डेट पर जाने के लिए पूछा। ऋचा ने भी संजय को हाँ कह दिया। इसके बाद तो संजय और ऋचा अक्सर मिलने लगे। मुलाकातों का ये सिलसिला जल्द ही प्यार में बदल गया। ऋचा से पहले संजय दत्त कई लड़कियों को डेट कर चुके थे, लेकिन ऋचा उन्हें औरों से अलग लगी। ऋचा की सिंप्लिसिटी संजय को बहुत पसंद आती थी। संजय को लगने लगा कि वो ऋचा के बिना रह नहीं पाएंगे।
एक दिन संजय ने ऋचा को शादी के लिए प्रपोज किया, लेकिन साथ ही ये शर्त भी रख दी कि शादी के बाद ऋचा को अपना एक्टिंग करियर छोड़ना होगा। संजय को दिल से चाहने वाली ऋचा ने उनकी ये शर्त भी मान ली, लेकिन अभी भी ऋचा के पेरेंट्स की मंजूरी मिलनी बाकी थी। संजय ऋचा से शादी करने के लिए इतने ज़्यादा उतावले थे कि उन्हें साथ लेकर वो अमेरिका उनके माता पिता से मिलने चले गए। वहाँ संजय ने ऋचा के माता पिता से बात की और उनसे उनकी लड़की का हाथ मांगा। चूंकि नशे की लत के कारण संजय काफ़ी बदनाम हो चुके थे, तो ऋचा के माता पिता थोड़ा परेशान थे, लेकिन जब संजय ने बताया कि वो अपना इलाज करा चुके हैं और अब उन्हें नशे की लत नहीं है, तो ऋचा के माता पिता ने आखिरकार शादी की परमिशन दे ही दी। अक्टूबर 1987 को 28 साल के संजय और 24 साल की ऋचा शादी के बंधन में बंध ही गए। इस शादी में दोनों परिवारों के बहुत ही खास लोगों ने शिरकत की। संजय ने शादी में सफ़ेद शेरवानी और पगड़ी पहनकर पंजाबी दूल्हे वाला लुक लिया था। शादी की रस्मों के दौरान संजय के बराबर में उनकी मां नरगिस दत्त की फ़ोटो रखी रही। संजय की शादी से सबसे ज़्यादा खुश उनके पिता सुनील दत्त थे। विवादित जीवन के बाद उनका बेटा आखिरकार सेटल हो रहा था। दत्त साहब को बहू के रूप में ऋचा बेहद पसंद आई थी। ऋचा से शादी के बाद संजय दत्त अपनी ज़िंदगी से बेहद खुश थे। एक आम भारतीय पत्नी की तरह ऋचा रोज़ घर पर संजय का इंतज़ार करती थी और फिर उनके साथ खाना खाती थी। संजय को अपनी ज़िंदगी पहले से ज़्यादा अच्छी लगने लगी। जल्द ही ऋचा के प्रेग्नेंट होने की खबर भी आ गई। पिता बनने के ख्याल से ही संजय बहुत एक्साइटेड हो जाते थे। 10 अगस्त 1988 को ऋचा ने एक बेटी को जन्म दिया। दत्त परिवार ने बेटी का नाम रखा त्रिशला दत्त। संजय को लग रहा था कि उन्हें अपनी ज़िंदगी से हर वो खुशी मिल गई है जो उन्हें चाहिए थी, लेकिन संजय और ऋचा की इस खुशी को जल्द ही किसी की काली नज़र भी लग गई। त्रिशला उस वक्त महज 4 महीने की थी जब ऋचा को पहली दफ़ा सिर में भयंकर दर्द हुआ। उसके बाद दर्द का ये सिलसिला चलता ही रहा। शुरू में किसी ने भी ऋचा के सिर में होने वाले इस दर्द को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन कुछ महीनों बाद जब संजय और ऋचा एक रिश्तेदार के यहाँ दिल्ली आए हुए थे, तो अचानक ऋचा की तबीयत ख़राब हो गई। ऋचा ने डॉक्टर से मिलने का मन बनाया। चूंकि संजय दत्त को फिल्म की शूटिंग के लिए मुंबई निकलना था, तो ऋचा को रिश्तेदार के पास छोड़कर वो मुंबई जाने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गए। संजय दिल्ली एयरपोर्ट पर बैठे थे कि तभी अनाउंसर ने उनका नाम लेकर कहा कि उनके लिए एक अर्जेंट कॉल है। हैरान संजय ने वो कॉल रिसीव किया। दूसरी तरफ वो डॉक्टर थे जो ऋचा का चेकअप कर रहे थे। डॉक्टर ने संजय दत्त से कहा कि वो अपनी मुंबई की टिकट कैंसिल कर दें और तुरंत उनके क्लिनिक आ जाएं। संजय ने डॉक्टर से ऋचा के बारे में पूछा तो उसने कुछ भी फ़ोन पर बताने से इनकार कर दिया। मजबूर संजय को डॉक्टर के क्लिनिक पर जाना ही पड़ा। क्लिनिक पहुंचकर संजय ने देखा कि ऋचा के सिर का MRI स्कैन हो रहा है। डॉक्टर ने बताया कि ऋचा को ब्रेन ट्यूमर है। ऋचा के ब्रेन ट्यूमर की खबर जैसे ही दत्त परिवार और शर्मा परिवार को मिली, वहां हाहाकार मच गया। ऋचा को तुरंत इलाज के लिए अमेरिका लाया गया। अमेरिका में ऋचा को कीमोथेरेपी के कई सेशंस से गुजरना पड़ा। 3 दफा ऋचा की ब्रेन सर्जरी भी हुई। इस दौरान संजय दत्त कभी अमेरिका में रहते और कभी वो शूटिंग के चलते भारत में होते। फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब संजय दत्त फिल्मों में इतने बिजी हो गए कि उन्हें ऋचा का ध्यान ही नहीं रहा। दूसरी तरफ अमेरिका में ऋचा की तबीयत में कुछ सुधार होने लगा। ऋचा अपने माता पिता और बहन की देखभाल में रह रही थी। उनके साथ उनकी नन्ही बेटी त्रिशला दत्त थी। इसी दौरान मीडिया में संजय दत्त और माधुरी दीक्षित के अफेयर की खबरों ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया। ये खबरें जब बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो ऋचा से रहा नहीं गया और वो संजय से मिलने अमेरिका से मुंबई आ गई। बकौल ऋचा की बहन एना,
संजय दत्त ऋचा से एयरपोर्ट पर मिलने तक नहीं आए। ऋचा ने पूरे 2 घंटे तक मुंबई एयरपोर्ट पर संजय दत्त का इंतजार किया था। बाद में संजय दत्त और ऋचा के रिश्ते में कभी भी वो पहले जैसी ताजगी ना आ सकी। नज़दीकियां जब बहुत ज़्यादा चुभने लगी तो ऋचा और संजय ने अलग होने का फैसला कर लिया और तलाक के लिए अर्जी दे दी। ऋचा की सेहत पर इस घटना का भी बहुत बुरा असर पड़ा। ऋचा अंदर तक टूट गई। टूटा दिल लिए ऋचा अपनी बेटी त्रिशला के साथ अपने माता पिता के पास अमेरिका वापस लौट गई। वहीं पर दोबारा ऋचा की तबीयत खराब होना शुरू हो गई और आखिरकार 10 दिसंबर 1996 को ऋचा ये दुनिया हमेशा हमेशा के लिए छोड़ गई। बताया जाता है कि ऋचा की मौत से पहले संजय दत्त एक दफा उनसे मिलने गए थे, लेकिन उन दिनों ऋचा जिंदगी और मौत की उस लड़ाई के आखिरी पायदान पर थी। ऋचा को कभी पता ना चल सका कि उनसे मिलने संजय दत्त आखिरी दफा आए हैं। ऋचा और संजय दत्त की बेटी त्रिशला अपने नाना नानी के पास ही रही। बताया तो ये जाता है कि संजय दत्त और ऋचा के माता पिता के बीच त्रिशला की कस्टडी को लेकर विवाद हुआ था, मगर सच ये है कि ऋचा के माता पिता की गुजारिश पर संजय दत्त ने बिना किसी ऑब्जेक्शन के बेटी त्रिशला की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी थी।